एक्स्ट्रा भी ड्रोन्स। ओके ड्रोन्स और कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस। ओके सो इट इज अ फ्लाइंग डिवाइसेस दैट इज कंट्रोल्ड रिमोटली बाय द यूजर। ओके सो दिस ड्रोन इज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज एरियल ड्रोन। ओके सो ड्रोन देर आर टू टिप्स। ओके वन इज एरियल ड्रोन एंड ग्राउंड बेस्ड ड्रोन। ओके सो कॉमनली इन एग्रीकल्चर वी विल यूज ओनली एरियल ड्रोन। ओके सो दिस एरियल ड्रोन आर ऑल्सो कॉल्ड द नेम यूएवी। ओके यूएवी मीन्स द अनमैंड एरियल व्हीकल। ओके सो फॉर यूजिंग ड्रोन्स वी नोट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके सो विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन वी कैन वी आर यूजिंग ड्रोन्स। ओके सो वी आर सेइंग दिस इज अनमैंड एरियल व्हीकल। ओके द एरियल ड्रोन्स आर कॉल्ड द यूएवी। ओके अनमैंड एरियल व्हीकल। ओके सो इट यूजेस मल्टीपल प्रोपर। ओके सी दीज ड्रोन्स यूजेस मल्टीपल प्रोपेलर्स माउंटेड ऑन द आर्म दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर। ओके सो विद हेल्प ऑफ प्रोपेलर्स इट फ्लाई अराउंड द फॉर्म फील्ड। ओके सो इट कैन बी पायलटेड वालिया सो ड्रोन्स कैन बी पायलटेड वालिया प्रॉपर्टी कंट्रोलर और ए स्मार्टफोन ऐप। ओके दैट इज वी कैन कंट्रोल ए ड्रोन। ओके यू कैन कंट्रोल योर ड्रोन विद हेल्प ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ओके प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर। ओके हार प्रॉपर्टरी कंट्रोलर और ए स्मार्टफोन ऐप। ओके सो सो विद हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स वी कैन कंट्रोल योर ड्रोन। ओके सो ड्रोन इज यूज टू कैप्चर एरियल स्टॉक फोटो एंड वीडियोज एंड सर्वेइंग एंड मॉनिटरिंग। ओके एंड एक्टिविटी। ओके सो विद हेल्प ऑफ ड्रोन्स वी कैन टेक फोटोज वीडियोज एंड वी कैन ऑल्सो सर्वे। ओके एंड वी कैन ऑल्सो मॉनिटर एक्टिविटी एंड डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड रोबोट्स। ओके सो रोबोट्स फोकस ऑन प्री इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स। ओके दैट इज द कंट्रोल थ्रू ए कंप्यूटर असेंबली। ओके सो रोबोट इज बेस्ड ऑन द प्री इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके बट सेंसर्स इज रिसीव इनपुट इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फाइनली लीड टू एक्शंस और रेस्पॉन्स। ओके सो द सेंसर्स आर प्लेस्ड इन ड्रोन्स एंड रोबोट्स टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। ओके सो वी कैन परफॉर्म सॉरी वी कैन प्लेस ये सेंसर्स इन ड्रोन्स एंड रोबोट्स। ओके सो सेंसर्स इज अ स्मॉल पार्ट। ओके इट इज यूज टू कलेक्ट डेटा। ओके टू रिसीव इनपुट इन डिजायर्ड फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ओके ओके एंड फाइनली टेक एक्शंस। ओके सेंसर्स आर प्लेस्ड इन ड्रोन्स एंड रोबोट्स ओके टू कलेक्ट डेटा। ओके एंड इट्स टू एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स इन एग्रीकल्चर। ओके द सेंसर्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिसिशन एग्रीकल्चर टू इंपोर्ट डेटा दैट हेल्प्स फार्मर्स टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन। ओके वी आर यूजिंग सेंसर्स मेनली टू कलेक्ट डेटा। ओके सो विद हेल्प ऑफ दिस डेटा ए फार्मर कैन मॉनिटर द फील्ड। ओके एंड ही कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज द क्रॉप प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंसर्स विच यूटिलाइज लाइट मेजर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओके सो विद हेल्प ऑफ सेंसर वी कैन ऑल्सो मेजर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओके दैट इज ऑप्टिकल सेंसर्स। ओके थर्ड पॉइंट इज वी कैन प्लेस द सेंसर्स इन सैटेलाइट ड्रोन्स और रोबोट्स टू डिटरमिन द क्ले ओके ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। ओके दैट विद हेल्प ऑफ सेंसर्स दे कैन ऑल्सो मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। ओके फॉर ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके सो दिस सेंसर्स आर मोस्टली यूज इन द स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम। ओके टू मेक एनी सिस्टम ऑटोमेटिक। मैकेनिकल सेंसर्स आर यूज टू मेजर सॉइल कॉम्पैक्शन एंड मैकेनिकल रेसिस्टेंस। ओके सेंसर्स आर यूज इन एग्रीकल्चर वेदर स्टेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज सॉइल ओके एयर टेम्परेचर एंड विंड डायरेक्शन। ओके एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके सो वी आर यूजिंग सेंसर्स इन एग्रीकल्चर वेदर स्टेशंस to provide information such as soil okay and air temperature and wind direction and relative humidity. Okay the most important thing is we are using sensors in livestock management. Okay that is attaching a sensors and tracking devices in cow. Okay assist in okay helps in monitoring okay attaching a sensors and tracking devices in cow. Okay help to monitor the cow's activity level. Okay, and health and other behavior. Okay, so we can monitor the cow's health, okay, and activity with the help of sensors and tracking devices. Okay, so
So these are the major six applications in the agriculture. Okay, there are many applications, but we so these are the major six application. Okay, that the first one is precision agriculture. Okay, second and one is to measure property of soil, and third one is to measure the clay content, organic matter content, and also moisture content in the soil. And fourth one is to measure the soil compaction, soil compaction and mechanical resistance. And fifth one is it is used in the weather stations. And sixth one is it is used to monitor the cow health. Okay.